बहुत पुरानी बात है, एक नदी में बहुत सारे कछुए रहा करते थे। उन्हीं कछुओं के बीच एक टप्पू नाम का एक कछुआ भी रहा करता था। वो बहुत चतुर, दिलदार और मन के साफ था। उसका जब मन करता वो पानी के अंदर रहता और जब मन करता पानी से बाहर निकलकर धीरे धीरे मस्ती कर लेता और वो अपने भोजन की जरूरत भी पूरी कर लेता था। एक दिन टप्पू नदी किनारे पे खड़ा होता है, तभी वहाँ पर एक बॉबी नाम का खरगोश आ जाता है। दोनों एक दूसरे को काफी दिनों से जानते थे, वे हमेशा बातें भी किया करते थे, परंतु खरगोश बहुत घमंडी था। वो कछुए को हमेशा अपनों से नीचा समझता था। इसी बीच खरगोश कछुए से बोलता है, ए दोस्त, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, मुझे कहने में भी तुमसे बुरा लगता है। अब बात ऐसा है कि अभी हम कुछ समय पहले जंगल के पीछे वाला पहाड़ी के पास थे और जब तक तुम नदी पार किया उससे कम समय में मैं यहाँ आ गया, और जब तुम अपनी चाल से नदी में जाओगे उससे पहले ही मैं अपने घर भी चला जाऊंगा। तुम्हें अगर पहाड़ी तक जाना हो तो रात हो जाएगी, मेरी बराबरी कभी नहीं कर सकते। बॉबी भाई, मैं जानता हूँ कि तुम जमीन पर काफी तेज दौड़ते हो, लेकिन पानी में मेरी रफ्तार भी कुछ कम नहीं है। मैं सेकेंडों में ही नदी के इस पार से उस पार हो जाता हूँ। पानी में तो मैं भी तैर सकता हूँ, मैं पानी में भी तैर कर तुमसे काफी आगे निकल जाऊंगा और तुम देखते ही रह जाओगे। ऐसी बात है तो चलो पानी में दौड़ का प्रतियोगिता हो जाए, जो जीतेगा उसका ही हुक्म चलेगा, क्या तुम्हें मंजूर है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर होगा, लेकिन तुम गुलाम बनने के लिए भी तैयार रहो। टप्पू और बॉबी की दौड़ की प्रतियोगिता निश्चित हो गई। सभी कछुए भी नदी किनारे इकट्ठे हो गए। कछुआ टप्पू और खरगोश बॉबी दोनों पानी में तैरने लगे। दोनों अपना अपना हुनर दिखाने लगे। कछुआ आगे था और खरगोश पीछे। दोनों काफी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। खरगोश अपनी रफ्तार बढ़ा रहा था तो कछुआ अपनी रफ्तार। इसी बीच खरगोश कुछ आगे निकल जाता। वो इसी घमंड के साथ आगे बढ़ रहा था और कछुआ एकाग्रचित होकर आगे बढ़ रहा था। नदी बड़ी होती है, इसीलिए प्रतियोगिता लंबे समय तक चला। इसी बीच बॉबी को आगे से आता हुआ एक मगरमच्छ दिखा और वो डर कर पीछे की ओर भागने लगा और कछुआ अपनी एकाग्रचित रफ्तार से नदी किनारे पे आ गया और वो खड़ा हो गया, वो भी खरगोश से पहले। खरगोश हार गया और कछुआ जीत गया, लेकिन फिर भी खरगोश का घमंड वही था। कोई बात नहीं है दोस्त, प्रतियोगिता में तो हार या जीत होता ही है, मन छोटा मत करो। अब हार गया हूँ तो हार के अनुसार मुझे तुम्हारा गुलाम तो बनना पड़ेगा। नहीं नहीं, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, मेरी मनसा तुम्हें गुलाम बनाने का नहीं है, बस कभी भी घमंड मत किया करो, मैं इतना ही कहूँगा। टप्पू कछुए के मन में कोई भेदभाव नहीं था, इसीलिए वो खरगोश के प्रति कोई दुर्व्यवहार नहीं किया। दोनों अपने अपने घर जाने लगे। रास्ते में जाते हुए खरगोश कछुए के प्रति बुरा सोचते गया कि कैसे मैं इसे अपना गुलाम बनाऊं, यही तरह तरह के बातें सोचते हुए जा रहा था। अगले दिन फिर खरगोश कछुए के पास आया और दौड़ की प्रतियोगिता का प्रस्ताव रखा। टप्पू कछुए, उस दिन तो तुम अपनी बाजी मार लिए थे, लेकिन जमीन पर तुम मेरे सामने एक तिनके के समान हो, मेरी दौड़ के आगे तुम अगल बगल भी नजर नहीं आओगे। बॉबी मेरे दोस्त, घमंड करना अच्छी बात नहीं है, मैंने उस दिन तुम्हें समझाया था ना, लेकिन ऐसी बात है तो हो जाएगा दौड़। अगले दिन दोनों नदी के पास से पहाड़ी तक जाने का दौड़ निश्चित किया और खरगोश सोचने लगा कि यह दौड़ तो मैं निश्चित ही जीतूंगा। कुछ ही समय बाद दोनों खरगोश और कछुआ दौड़ने लगते हैं। खरगोश काफी आगे निकल गया और गाजर के खेत में जाकर आराम से गाजर खाने लगा। इधर कछुआ अपनी दौड़ जारी रखता है और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उधर खरगोश गाजर खाने के चक्कर में इतना व्यस्त हो गया कि दौड़ का कोई ठिकाना ही नहीं रहा और फिर कुछ समय बाद वो दौड़कर पहाड़ी तक पहुंचा तो हैरान हो जाता है। अब हैरान क्यों हो गया
ये तो आप जान ही गए होंगे। इसी बात पर दोस्तों एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।